बस 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 बसमी असलेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर लेसन नंबर थर्टीन अर्ली पीपल लेट्स स्टार्ट द रीडिंग हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट हैपन इन द पास्ट हिस्ट्री कहते हैं तारीख को जिसमें हम लोग पढ़ते हैं पुरानी चीज़ों के बारे में जो कि हमारी माजी में हो चुकी होती हैं लर्निंग हाउ पीपल लिव्ड हाउ सिट इज़ ग्रू एंड हाउ पीपल मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हु वी आर एंड द वे वी लिव टू पुराने लोगों के बारे में जानना कि वो लोग कैसे रहते थे शहर कैसे आबाद हुए और लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करते थे इन चीज़ों को पढ़ने से इन चीज़ों को समझने से हमें मदद मिलती है कि हम लोग कौन हैं और हम लोग कैसे की ज़िंदगी आज जो है गुज़ार रहे हैं studying great people important events and everyday life in the past can help us understand the present and make informed predictions about what might happen in the future लोगों के बारे में study करना important events यानी खास त्यौहारों के बारे में study करना और रोजमर्रा की जिंदगी जो कि हमारे ए, माजी में जो लोग रहते थे उनके बारे में स्टडी करने से हम लोगों को मदद मिलती है हम जानते हैं कि माजी को अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा प्रेजेंट कैसा है और माजी का और अपने पास्ट का और प्रेजेंट का अगर हम मुता करते रहें इसको स्टडी करते रहें तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा होगा हमारे आने वाला कल कैसा होगा आवर अर्थ इज़ बिलीव टू बी फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयर्स ओल्ड आवर अर्थ जो हमारी अर्थ है एज़ यू नो वी लिव इन प्लानट अर्थ हमारी जो ज़मीन है इसके बारे में कहा जाता है ये यकीन किया गया है कि हमारी अर्थ फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयर्स ओल्ड है वी डू नॉट नो एक्जैक्टली हम सही तौर पर नहीं जानते वन ह्यूमन लाइफ बिगिन कि कब इंसानी ज़िंदगी का आगाज हुआ था यहाँ पे हमें हमारी अर्थ की एज बता दी गई है कि हमारी अर्थ जो है ये भी साइंटिस्ट की प्रोडिक्शन है वो लोग कहते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन इयर्स ओल्ड है लेकिन हम हकीकत में ये बात अभी तक नहीं जानते हैं कि इस अर्थ पर हमारी दुनिया पर ज़िंदगी का वजूद कब हुआ इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ साइंटिस्ट टेल अस दैट इट वॉज ओवर वन मिलियन ईयर्स अगो अकॉर्डिंग टू साइंटिस साइंसदान कहते हैं कि दुनिया पर जो जिंदगी का वजूद है वह वन मिलियन ईयर्स अगो हुआ कि आज से तकरीब दस लाख साल पहले जो है दुनिया पर इंसानी जिंदगी का वजूद हुआ था वी हैव बीन एबल टू फाइंड आउट अबाउट अल्डी पीपल बाई स्टडिंग द टूल वेपन स्पोर्ट एंड मैनी अदर थिंग दैट दे यूज हम लोग जान सकते हैं तलाश कर सकते हैं पुराने लोगों के बारे में कैसे मुता करके उनके इस्तेमाल किए हुए टूल्स टूल्स यानी औजार वेपन्स यानी हथियार पोट्स यानी बर्तन एंड मैनी अदर थिंग्स दैट दे यूज और बहुत सी चीज़ें जो कि वो इस्तेमाल कर चुके हैं इन चीज़ों को स्टडी करके हम पुराने लोगों के बारे में जान सकते हैं कि हमारी ज़मीन जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है ये यकीन किया गया है कि हमारी ज़मीन चार शर या पाँच अरब साल जो है वो पुरानी है यू कैन सी द पिक्चर ऑफ़ टूल्स पोर्ट्स एंड वेपन्स ये ये टूल्स मीन एज टोल्ड यू औजार पोर्ट्स यानी बर्तन वेपन्स हथियार ये पिक्चर में आप देख सकते हैं ये टूल्स, स्पोर्ट्स और वेपन्स जो हैं ये अर्ली ह्यूमन जो है इस्तेमाल करते थे इनको स्टडी करके हम पुराने लोगों के बारे में जान सकते हैं कि वो लोग कैसे रहा करते थे और उनका जो है लिविंग स्टाइल क्या था इन चीज़ों का मुताे करके हम पुराने लोगों के बारे में जान सकते हैं आर्किलॉजिस्ट आर साइंटिस्ट स्टडी द थिंग्स दैट आर वेरी ओल्ड आर्किलॉजिस्ट कौन होते हैं आर्क्योलॉजिस्ट साइंसदान होते हैं जो कि स्टडी करते हैं और चीज़ों को जो कि बहुत पुरानी होती हैं दे कैन टेल वेयर एंड वन थिंग्स वर मेड एंड हाउ दे वर यूज वो हमें बता सकते हैं कि चीज़ें कब और कहाँ इस्तेमाल होती थी और उनको कब बनाया गया था दे यूज़ अ प्रोसेस कॉल्ड डेटिंग टू फाइंड आउट द एज ऑफ वेरी ओल्ड थिंग्स आर्किोलॉजिस्ट जो होते हैं जो साइंटिस्ट हैं ये एक प्रोसेस यूज़ करते हैं एक प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं जिसको डेटिंग का नाम दिया जाता है जिसको डेटिंग कहा जाता है इस प्रोसेस के थ्रू वो जितनी भी चीज़ें जो ओल्ड थिंग्स होती हैं जो, जो कि पुराने लोगों ने इस्तेमाल की होती हैं उनकी एज फाइंड आउट करते हैं कि ये चीज़ जो है ये कितने साल पुरानी है पोट्री बोन रोक्स एंड अदर थिंग्स कैन बी डेटेड इन द लेबॉर्ट्री पोट्री यानी मिट्टी के बर्तन बोन हड्डियाँ रोक्स यानी चटाने पत्थर इन चीज़ों को और भी बहुत सी चीज़ें जो कि अर्ली ह्यूमस जो है वो इस्तेमाल करते होते थे इनको लेबॉर्ट्री में जाकर इनके ऊपर ये प्रोसेस डेटिंग का प्रोसेस अप्लाई किया जाता है देन ये लोग हमें बताते हैं कि ये चीज़ जो है ये कितने साल पुरानी है ये कब और कहाँ बनाई गई थी और इसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड एंथ्रोपोलॉजी की बात करें एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड इसमें जो है इंसानियत का मुताल किया जाता है इंसानों का मुताल किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी स्टडी हाउ पीपल लिव एंड बिहेव वो पर्सन जो कि एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करता है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर ऑल्सो साइंटिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी साइंसदान होते हैं और ये क्या करते हैं दे स्टडी हाउ पीपल लिव एंड बिहेव इस चीज़ का मुताल करते हैं कि लोग कैसे रहते हैं और वो कैसे बिहेव करते हैं उनका लिविंग स्टाइल क्या है और उनका वे ऑफ uh, मतलब बिहेविंग क्या है आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से वो ट्रीट करते हैं और कैसे रहते हैं ना सिर्फ पास्ट का बल्कि आज की प्रेजेंट टाइम की भी बात करें तो प्रेजेंट टाइम के भी लोगों को स्टडी किया जाता है कि उन लोगों का लिविंग स्टाइल क्या है और वो कैसे बिहेव करते हैं दीज टेल अस सम ये साइंसदान इस काबिल होते हैं ये हमें बताते हैं थिंग्स अबाउट अर्ली पीपल वो चीज़ें जो कि अर्ली पीपल यानी पुराने लोगों ने इस्तेमाल की बट देर इज़ स्टिल मच वी डू नॉट नो लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं लॉन्ग लॉन्ग अगो बहुत बहुत पहले देयर वर नो सिटीज़ और टाउन्स पहले ना तो शहर होते थे और ना ही टाउन्स होते थे टाउन्स मीन कस्बे होते थे मैं यहाँ पे आपको हवाला देती हूँ लेसन नंबर ट्वेल्व सिटीज़ का जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उसमें भी हमने पढ़ा था इन अर्ली टाइम्स देर वर नो सिटीजन टाउन पीपल लिव इन स्मॉल कम्युनिटीज और सेटलमेंट्स कि लोग छोटे छोटे ग्रुप्स की शक्ल में ग्रो की शक्ल में जो है रहते होते थे क्योंकि पहले ना इस तरह शहर होते थे ना ही प्रॉपर कोई कस्बे घर नहीं होते थे द अर्लीस्ट ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स अगर बात की जाए अर्लीस्ट ह्यूमस की पुराने इंसानों की बात की जाए तो वो कहाँ रहते थे वो लोग गारों में रहते थे अर्ली ह्यूमस लिव्ड इन केवस टू हाइड फ्राम वाइल्ड एनिमल्स एंड फ्राम रफ वैदर पुराने लोग जो थे वो गारों में रहते थे अपने आप को जो है जंगली जानवरों से बचाने के लिए और जब मौसम ख़राब हो जाता था तो भी वो ग़ारों में पना लेते थे इट वॉज़ इन अनसर्टन लाइफ दी न्यू हाउर देट इन ऑर्डर टू सर्वाइव दे हैड टू किल एन ईट वाइल्ड एनिमल्स सो दे एट रो मीड एज देड नो फायर टू कुक द मीड दे यूज एनिमल्स स्किन टू कवर देयर बॉडीज एंड यूज़ द बोन्स एज टूल्स सो ये सारा जो है अर्ली ह्यूमंस का लिविंग स्टाइल था उनके पास प्रॉपर हाउसेस नहीं होते थे वो लोग केव्स में रहते थे इसके अलावा जो है वो लोग उनको खाने पीने का उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था वो जानवरों का शिकार करते थे और उनको कच्चा ही खा जाते थे बिकॉज दे दे हैड नो फायर उनके पास आग नहीं होती थी उनको नहीं पता होता था कि खाने को पका के खाया जाता है और वो एनिमल्स जिनको हंट करते थे उन्हीं का उन्हीं की स्किन जो है उसको अपने आप को कवर करने के लिए इस्तेमाल करते थे इसी तरह उन्हीं की बोन्स को जो है एज अ टूल इस्तेमाल करते थे इन मैनी प्लेस इन द वर्ल्ड दुनिया में बहुत सी जगह हैं देर आर केव्स विद ड्रॉइंग्स इन दैम जहाँ पर गारे हैं जिनके ऊपर जो है मुख्तलिफ ड्रॉइंग्स बनी हुई हैं तस्वीरें खा के बने हुए हैं दिस शोज पिक्चर ऑफ पीपल हंटिंग गारों के ऊपर ऐसी तस्वीरें बनी हुई हैं जिसमें लोग जो है वो शिकार कर रहे हैं दे ऑल्सो शो वेरी वेल ड्रॉन एनिमल्स इसके अलावा गारों पर बहुत जो है वो जानवरों की तस्वीरें बनी हुई हैं सम ऑफ दीज वी कैन रिकगनाइज बट देर आर सम स्ट्रेंज एनिमल्स टू उनमें से कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको हम पहचान सकते हैं लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि हमारे लिए अजीब हैं जिनसे हम वाकिफ नहीं हैं देर आर नो फील्ड और क्रॉप्स पहले ना तो कोई फसलें होती थी और ना ही कोई खेत होते थे ओवर मेनी थाउजेंडस ऑफ ईयर्स पीपल लर्न हाउ टू ग्रो फूड क्रॉप्स एंड हाउ टू डू थिंग्स टू मेक देर लाइफ मोर कम कम्फर्टेबल ओवर मेनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स कई हजार सालों के बाद लोगों ने ये सीखा कि अपने लिए खुराक कैसे उगानी है फसलें कैसे उगानी है और कैसे वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो आरामदेह बना सकते हैं अपनी जिंदगी को जो है वो पुरसकून बना सकते हैं अर्ली पीपल लर्न अदर थिंग्स टू उन्होंने और भी बहुत सी चीज़ें सीखी जैसे कि सच एज़ ग्रोइंग कॉर्न एंड मेकिंग बेसिंग शेल्टर टू प्रोटेक्ट दमसेल्व फ्राम द वैदर एंड वाइल्ड एनिमल्स ग्रेजुअली दे लर्न मोर थिंग्स मेड बैटर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स एंड फाउंड क्लेवर एंड diverse ways of using them that improved the way they lived here you can see the picture of archaeologists they dig up historical sites in order to discover and identify ancient cultures and civilizations they use scientific methods to determine the age of civilizations the physical difference in races of people the way of life and the objects they use दैट इज़ हाउ वी नो दैट अर्ली ह्यूमस लिव इन केव्स बिफोर द न्यू हाउ टू मेक अ शेल्टर सच एज अट और होम आर्कियोलॉजिस्ट जो है ये वो साइंसदान हैं जो कि हिस्टोरिकल साइट्स को खोदते हैं उनकी खुदाई करते हैं और वहाँ से ऐसी चीज़ें निकालते हैं दरियाफ़त करते हैं जो कि पुरानी सकाफत पुरानी तहजीबों को जो है उनकी पहचान करवाती है ये लोग ऐसे साइंसी तरीके इस्तेमाल करते हैं जो कि पुरानी सिविलाइजेशन जो पुरानी तहजीबें उनकी एज के बारे में हमें बताते हैं उनका और हमारा फ़िज़िकल डिफरेंस बताते हैं कि वह उस टाइम के लोग जो थे उन लोगों का वे ऑफ लिविंग कैसा था वो कितने सिविलाइज थे इसके अलावा उनकी वो कैसे अपनी ज़िंदगी स्पेंड कर रहे थे कैसे के ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल करते थे ये सब चीज़ों का स्टडी करके हम लोगों को पुराने लोगों के बारे में बताते हैं आर्कियोलॉजिस्ट ने ही हमें इस चीज़ का बताया कि पहले के जो लोग थे वो लोग गारों में रहते थे उनके पास जो है रहने के लिए प्रॉपर हाउसेस जो थे वो नहीं होते थे अगर हम आर्कियोलॉजिस्ट की बात करें साइट्स की बात करें तो पाकिस्तान में जो है एंशंट सिटी मोहिनजो दाड़ो जो है जिसके बारे में आप जानते हैं जो कि आप लेसन नंबर ट्वेल्व सिटीज़ में भी पढ़ चुके हैं कि इट वॉज डिस्कवर्ड इन नाइनटीन बाय टू बाई 1922 में आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको दरियाफ्त किया था आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस वर्क टुगेदर टू गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एंशियन पास्ट बाय स्टडिंग द आर्टिकल्स ऑफ डेली लाइफ लाइक पोर्स एंड यूटेंसिल्स वेपन्स क्लोथिंग इफ एनी आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड मेनी ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द सच एज पोर्ट सील्स स्टैम्प्स ज्वेलरी एंड ड्राइंग्स ऑन स्टोन्स नाउ

उनके क्या क्या उनके हैबिट्स हैं उनका लाइफ क्या है उनके क्या अक़ीदे हैं जिंदगी और मौत को लेकर इन सब चीज़ों के बारे में एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करते हैं और हमें बताते हैं हे यू कैन सी दिक्चर ऑफ केफ आप देख सकते हैं ये केव के गार की तस्वीर है पुराने वक्तों के लोग जो हैं वो ऐसे गार में रहा करते थे यह आप देख सकते हैं ड्राॅइंगव्स के अंदर जो है ये ड्राॅइंग्स जो हैं ये दरियाफ्त हुई थी जो पहले लोग किया करते थे जहाँ पे जो है हंटिंग की भी आपको ड्राइंग नज़र आ, नज़ आ रही है और एनिमल्स की भी ड्राइंग्स नज़र आ रही हैं दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर एज दे नो हाउ टू ग्रो देयर फूड एंड हाउ टू कल्टिवेट एज वेल दे ग्रो क्रॉप्स लाइक वीट राइस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज ए टोल्ड यू ओवर मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पीपल लर्न हाउ टू ग्रो फूड क्रॉप्स एंड हाउ टू डू थिंग्स टू मेक देयर लाइव मोर कंफर्टेबल सो दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर

पहले लोग जो है शिकार की तलाश में इधर उधर घूमते फिरते रहते थे ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता दे सेटल्ड एंड फाउंड न्यू एंड बेटर वेज़ ऑफ डूइंग थिंग्स आहिस्ता आिस्तक जो है वो आबाद होना शुरू हो गए और उन्होंने रहने के लिए जो है बेहतरीन रास्ते तलाश कर लिए ऑफ ऑल द लिविंग क्रिएचर्स ऑन द अर्थ ज़मीन पे जितनी भी जो है वो जानदार मखलूक हैं ह्यूमन बींगस आर द मोस्ट इंटेलिजेंट जिन में जो मुस, अगर ह्यूमन बींग्स की बात की जाए इंसानों की बात की जाए तो वो सबसे ज़्यादा जहीन हैं दे आर दे आर एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स वो इस काबिल हैं कि वो अपने मसाइल को हल कर सकें उनकी ज़िंदगी में जो भी मसाइल आते हैं वो उनको हल कर सकते हैं डिड यू नो कि आप जानते हैं स्टोनेज ह्यूमन्स मे हैव इंजॉयड म्यूजिक कि स्टोनेज के लोग जो हैं वो म्यूजिक भी इंजॉय करते थे वी नो दिस बिकॉज अ थर्टी फाइव थाउजेंड ई ईयर्स ओल्ड फ्लूट वॉज फाउंड इन अ केव इन जर्मनी ये कैसे कहा जाता है कि वो लोग भी जो है वो म्यूजिक से जो है वो अपने एंटरटेन uh, करते थे एक दूसरे को कैसे थर्टी फाइव थाउजेंड ईयर्स अगो जो है मतलब इतनी पुरानी फ्लूट फ्लूट कहते हैं बांसुरी को जो कि जर्मनी के एक गार से मिली जिससे अंदाज़ा लगाया कि पहले के जो लोग थे स्टोन एज के जो लोग थे वो लोग भी म्यूजिक को इंजॉय करते थे हेयर आर सम ऑफ द थिंग्स दैट पीपल हैव लर्न यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको पुराने लोगों ने सीखा मेकिंग फायर मेकिंग टूल्स मेकिंग द व्हील लेट्स टॉक अबाउट द फायर फर्स्ट अर्ली पीपल एट देयर फूड रॉ एज ए टोल यू देड नो फायर उनके पास आग नहीं होती थी वो लोग अपना जो खाना था जो भी शिकार करते थे उसको कच्चा खाते थे रॉ का मतलब होता है कच्चा One day, एक दिन पर है शायद से से, someone discovered fire. किसी ने आग दरिया की द फर्स्ट फायर दॉ प्रोबेबली स्टार्टेड बाई लाइटनिंग पहली आग जो उन्होंने देखी वो एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुई थी दे फाउंड आउट दैट फायर वॉज होट एंड बर्न थिंग्स उन्होंने पाया कि आग जो है ये गर्म होती है और ये चीज़ों को जला सकती थी दे फाउंड दैट फायर कुड ऑल्सो भी प्रोड्यूस बाई रबिंग टू ड्राई स्टिक्स टूगैदर उन्होंने ये भी तलाश किया ये भी जाना कि दो जो है खुश लकड़ियों को आपस में रगड़ने से भी आग बनाई जा सकती है वेरी फास्ट बहुत तेजी से कि अगर दो लकड़ियों को आपस में बहुत तेज़ी से रगड़ा जाए तो उससे भी जो है वो आग बनाई जा सकती है एंड अदर वे टू मेक फायर वॉज बाय स्ट्राइकिंग टू फ्लिंट स्टोन्स टुगेदर एक दूसरा तरीका था जिसमें क्या था कि दो चिपटे पत्थरों को आपस में टकराने से भी आग बनाई जा सकती है दिस मेड स्पार्क्स विच कुड सेट अलाइट ड्राई ग्रास और लीव्स जिससे क्या पैदा होती थी चिंगारियां पैदा होती थी जो कि खुश्क पत्तों या खुश्क घास के ऊपर डाल के जो है उससे जलाया जा सकता था दे यूज़ फायर टू कुक देयर फूड वो खुराक वो खुराक को पकाने के लिए जो है फायर का इस्तेमाल करने लगे बिकॉज इट टेस्टेड बेटर क्योंकि उन्होंने ये पाया कि जब वो खुराक को पकाते थे अपने खाने को पकाते थे तो उसका जायका अच्छा हो जाता था एंड टू कीप दैम सेल्फ वार्म और ख़ुद को गर्म रखने के लिए फायर स्केड वे वाइल्ड एनिमल्स सो इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर प्रोटेक्शन आग जो थी वो जंगली जानवरों को खौफजदा कर देती थी, थी तो इसलिए इसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपनी हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि जो जंगली जानवर थे वो आग से खौफजदा हो जाते थे तो पुराने वक्तों के जो लोग हैं वो अपने गारों के गिर जो है जो है आग की जो है मछले लगा देते थे ताकि जो है जंगली जानवर जो है उनसे डर के जो उनसे दूर रहें और वो लोग जो है अपनी इस तरीके से हिफाजत करते थे डिस्कवरी ऑफ फायर डिस्कवरी ऑफ फायर सबसे पहले जब आग दरियाफ़त हुई इसके बारे में ये कहा जाता है कि बाय एक्सीडेंट जो है ये दरियाफ्त हुई थी जैसे कि टू फ्लिंट स्टोन्स या टू स्टिक्स को आपस में स्ट्राइक करने से जो है वो आग बनाई जा सकती है लेकिन इससे पहले कहा जाता था कि अर्ली ह्यूमंस ने देखा कि जंगल में आग लगी हुई है उसकी वजह से तमाम जंगली जानवर जो हैं वो भाग रहे हैं और आसपास की चीज़ें जल रही हैं और वो आग जो है वो जंगल में काफ़ी दिनों तक लगी रही जब वो आग जो है वो हल्की हुई तो इन्होंने उस आग को जलता रखने के लिए उसके ऊपर दोबारा लकड़ियाँ पत्ते घास फूस डालना शुरू कर दिए ताकि ये आग जलती रहे क्योंकि उस आग से उनको ये फायदा हो रहा था कि एक तो उनको उस आग से हरारत महसूस हो रही थी और इसके अलावा उस आग की वजह से जो है जो जंगली जानवर जो थे वो उनसे दूर थे फायर यूज बाई अर्ली ह्यूमन्स टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स टू कुक फूड एंड दे यूज फायर टू कीप दम सेल्व वॉर्म टूल्स एल्डी पीपल यूज़ देयर हैंड्स एंड फिंगर्स टू डू मोर्स जॉब्स पुराने वक्तों के लोग हैं वो ज़्यादातर अपने हाथ और अपनी उंगलियाँ इस्तेमाल करते थे काम करने के लिए दैन दे डिस्कवर दैट इट वॉज ईजियर टू ब्रेक और क्रश समथिंग विद अ हैवी स्टोन फिर उन्होंने दरियाफ्त किया कि चीज़ों को तोड़ना उनको क्रश करना किसी भारी पत्थर से जो है वो आसान है कि एक हीवी स्टोन एक भारी पत्थर की मदद से जो है वो चीज़ों को आसानी से क्रश कर सकते हैं उसको ब्रेक कर सकते हैं इट वॉज़ ईजियर टू ओपन और स्प्लिट समथिंग विद अ शार्प स्टोन किसी भी चीज़ को ओपन करना उसको स्प्लिट करना एक शार्प स्टोन एक आ, नुकीले स्टोन की मदद से जो था वो आसान होता था दी स्टोन्स बिकेम द फर्स्ट टूल्स ये आ, ये स्टोन जो है इनका पहला टूल बना स्टोन्स जो थे पत्थर जो थे वो इनके पहले औजार थे विद टाइम वक्त के साथ पीपल लर्न लोग सीख गए टू मेक बेटर टूल्स बेहतरीन औजार बनाना सम अर्ली टूल्स दैट ह्यूमन बींग्स इन्वेंटेड वर अ क्लब अबो एंड एरो अस्पियर अस्टोन एक्स एंड रोप अगर बात की जाए पुराने वक्तों के औजारों की जो कि हेल्डी ह्यूम्स ने बनाए तो उसमें बात आ जाती है क्लब क्लब अबो एंड एरो तीर और कमान अ स्पियर छड़ी अ स्टोन एक्स पत्थर का कुल्हाड़ा एंड रोप और रस्सी रोप वॉज मेड बाई नोटिंग टुगेदर क्रीपर्स एंड ग्रासेस झाड़ियों को घास को आपस में बांध कर जो है वो लोग रस्सी बनाया करते थे दे कॉट फिश इन द स्ट्रीम्स बाई स्पीरिंग दैम विद पॉइंटेड स्टिक वो नदियों में से मछलियाँ पकड़ते थे उनके ऊपर नेज़े की मदद से उनके ऊपर निशाने बांधते थे और मछलियों को पकड़ते थे पीपल लर्न हाउ टू ग्रो फूड लोगों ने लोगों ने सीखा कि खुराक कैसे है, दे ऑल्सो लर्न उन्होंने ये भी सीखा हाउ टू है यू कैन सी पिक्चर ऑफ अर्ली ह्यूमन टूल्स ये पुराने वक्तों के जो औज़ार हैं पुराने जो लोग थे जो औजार इस्तेमाल करते थे उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि अपने शिकार किए जानवरों की, की हड्डियाँ और पत्थरों को जो है वो मुख्तलिफ शक्लों में ढाल कर जो है वो इन औज़ार को इस्तेमाल किया करते थे है यू कैन सी द पिक्चर ऑफ़ पोर्ट्स यूज बाई अर्ली ह्यूमन ये वो मिट्टी के बर्तन हैं जो कि पुराने वक्तों के लोग जो है खुद बनाते थे और उनको इस्तेमाल करते थे इसके अंदर अपनी पानी और ख़ुराक वगैरह को महफूज करते थे दे लर्न हाउ टू मेक पोर्ट्स आउट ऑफ क्ले एंड बेक दैम इन अ फायर सो दैट दूड होल्ड वॉटर एंड फूड उन्होंने ये भी सीखा कि मिट्टी से कैसे बर्तन बनाए जाएं और उनको कैसी आग पर पकाया जाए ताकि वो अपने अंदर पानी और खुराक को जो है वो होल्ड कर सके द व्हील पहिया व्हेन ह्यूमन बींग्स फर्स्ट बिगेन टू प्लांट क्रॉप्स दे हैड टू क्लियर द लैंड जब इंसानों ने सबसे पहले पौधे उगाना शुरू किए दे हैड टू क्लियर द लैंड तो उन्होंने ज़मीन को साफ करना था दे दिगेन टू मूव बिग स्टोन्स विद ए लीवर उन्होंने लीवर की मदद से बड़े बड़े पत्थरों को हटाना शुरू किया अ लिवर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रोड और बार दैट इज़ यूज़ टू मूव अ लोड लिवर एक सख्त जो है सलाख या बार कह सकते हैं होती है दैट इज़ यूज़ जो कि इस्तेमाल की जाती है टू मूव अ लोड वज़न को हरकत दिलाने के लिए बाई यूजिंग फोर्स ताकत का इस्तेमाल करके एट द अदर एंड ऑपोजिट टू द लोड वज़न की मुखालिफ सत में फ़ोर्स लगा के ताक़त लगा के जो है भारी चीज़ों को बासानी जो है हरकत दिलाई जा सकती है सम स्टोन्स वर टू बिग टू मूव ईजीली कुछ पत्थर इतने बड़े होते थे जिनको लीवर की मदद से जो है बसानी हरकत दिलाई जा सकती थी दे डिस्कवर दैट व स्टोन ऑन टू अम लॉग्स ऑफ वुड इट कुड बी मूव ईजिली उन्होंने ये दरियात किया कि जब पत्थर को कुछ लकड़ियों के तनों पर रख कर जो है उनको हरकत दिलाई जाए तो उसको हरकत दिलाना जो है आसान होता था द लॉग्स ऑफ वुड ग्रोल्ड अलोंग द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड जो लकड़ी के तने होते थे वो ज़मीन की सतह पर बड़ी आसानी से रोल हो जाते थे दिस गिव पीपल द आइडिया फॉर द व्हील इस इस चीज़ ने लोगों को जो है आइडिया दिया व्हील का पहिए का सोन जल्द ही दे इन्वेंटेड एन एक्सेल एज वेल जल्द इन्होंने एक्सेल भी दरियाफ्त कर लिया एक्सेल क्या होता है द एक्सेल इज द रोड एक्सेल एक सिला होती है दैट होल्ड्स द व्हील एट ईच ऑफ इट्स टू एंड्स जिसके दोनों एंड्स पे पहिए लगे हुए होते हैं दिज टू इन्वेंशंस चेंज ह्यूमन लाइफ कम्पलीटली इन दो इजादात ने इंसानी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया टुडे आजकल इट इज़ ये मुश्किल है टू इमेजिन तस्वूर करना वर्ल्ड दुनिया का विदाउट व्हील्स पहियों के बगैर अगर हम आज के दौर की बात करें आज के ज़माने की बात करें तो पहियों के बगैर अपनी दुनिया का जो है तस्वर करना जो है वो मुश्किल है दे आर यूज इन मैनी मशीन्स इन डिफरेंट वेज़ एंड इन व्हीकल्स पहिए का इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ मशीनों में और गाड़ियों में किया जा रहा है अगर मैं आपको बात करूँ तो आप लोग देखते हो कि डेली बेसिस पर जब आप ट्रैवल करते हो तो जितनी भी ट्रैफ़िक आपको रोड पर नज़र आती है उन सब के व्हील्स होते हैं इसके अलावा हमारे घर में कुछ मशीनरीज ऐसी होती हैं जिनके व्हील्स होते हैं तो अपनी ज़िंदगी को व्हील के बगैर तस्वुर करना इमेजिन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है यू कैन सी द पिक्चर ऑफ़ लीवर दिस दिस रोड इज़ नोन एज लीवर ये जो रोड है जो कि आदमी ने हाथ में पकड़ी हुई है और इससे वो पत्थर को जो है वो उस पर फोर्स लगा रहा है उसको मूव कराने की कोशिश करे तो ये रोड ये बार जो है ये लीवर के लाती है ऑन द अदर साइड यू कैन सी दिक्चर ऑफ एग्जल हे यू कैन सी ये ये वाली चीज़ जो है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लॉग्स ऑफ वुड हैं लॉग्स ऑफ वुड ने एग्जल का उनको आइडिया दिया था कि अगर एक रोड और उसके दोनों साइड्स पर पहे लगे हुए हों तो उस चीज को मूव कराना जो है वो आसान हो जाता है दिस इज द पिक्चर ऑफ व्हील अर्ली व्हील यूज बाय अर्ली ह्यूमन दिस इज द पिक्चर ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स इन विच यू कैन सी ऑल दिस व्हीकल्स हैव व्हील्स इन तमाम व्हीकल्स के व्हील्स हैं और विदाउट व्हील्स दे कांट मूव बगैर पहिए के इनमें से कोई भी व्हीकल ऐसी नहीं है जो कि मूव कर सकती हो अर्ली हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिफ़रेंट पीरियड्स और एजेज़ अगर पुरानी तरीक़ की बात करें तो ये मुख्तलिफ अदवार में जमानों में जो है इसको तकसीम किया गया है दिस पीरियड्स आर नेम्ड आफ्टर द मटीरियल यूज फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स इस पीरियड का इस ज़माने का जो नाम जो दिया गया है इसमें जो भी मटीरियल यानी जो मवाद इस्तेमाल किया गया है औज़ार बनाने के लिए हथियार बनाने के लिए उस दौर को जो है वो उस चीज़ उस चीज़ का नाम दे दिया गया अगर एजेस की बात करें तो अर्ली ह्यूमंस वर्ल्ड नोमैड्स खाना बदोश होते थे उनके प्रॉपर हाउसेस नहीं होते थे वो लोग खुराक की तलाश में इधर उधर फिरते थे टुक शेल्टर इन केव्स एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन स्मॉल ग्रुप्स इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड लिव बाय हंटिंग एज आई टोल्ड यू कि छोटे छोटे ग्रुप्स के फॉर्म में जो है वो खुराक की तलाश में इधर उधर जो है वो भटकते रहते थे और शिकार करते थे द नेक्स्ट एज इज़ द द मटेलीज लाइक ब्रोंस कॉपर एंड आयरन है यू कैन सी द पिक्चर द पिक्चर शोज अ मोर सेटल्ड लाइफ विद एग्रीकल्चर एंड पोट्री सो ये स्टोन एज है जिस एज में जो है औजार जो थे जो वेपन्स जो थे वो स्टोन के बनाई जाती थी उस एज को है स्टोन एज का नाम दिया गया लेटर ऑन जो है वो मेटेलिकजेस जो है इंट्रोड्यूस हुई जिसमें जितने भी वेपन्स और जितने भी टूल्स वगैरह थे वो मेटल्स से बनाए जाने लगे तो उनको उस एज का नाम दे दिए जैसे कि ब्रॉन्ज एज की बात करें तो ब्रॉन्ज एज में जितने भी वेपन और टूल्स जो थे वो ब्रॉन्स के बनाए जाने लगे कॉपर एज में कॉपर जो है वो इस्तेमाल किया जाने लगा टूल्स और वेपन्स को बनाने के लिए और आयरन एज जो है जो कि अभी की एज है मॉडर्न एज भी इसको कह सकते हैं इस एज में जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो है सिविलाइज हो चुके हैं इनके प्रॉपर हाउसेस हैं कंप्यूटर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें बताती हैं कि हम लोग किस ज़माने में किस दौर में रह रहे हैं और हमारा आने वाला दौर जो है वो कैसा होगा Now come to the questions. Question number one is how did early people first make fire? Question number two, why was fire useful? Question number three: what tools helped early people to move heavy loads? Question number four, in what ways do we use wheels today? Question number five, what were the different ages that early humans lived through? Question number six: what do you think was the most useful invention made by early humans? Explain your choice. Here you can so You can see the answers here. Answer number one. अर्ली पीपल मेड फायर बाय रबिंग टू स्टिक्स और स्ट्राइकिंग टू स्टोन्स टूगैदर अंटिल द हीट क्रिएटेड अ स्पार्क विच बिकेम आ फ्लेम के पहले जो लोग थे वो आग बनाते थे दो स्टिक्स को आपस में रब करने से और तो दो स्टोन्स को आपस में स्ट्राइक करने से जिससे वो हीट होती थी, हीट पैदा होती थी और चिंगारियाँ पैदा होती थी और आग बन जाती थी नंबर टू फायर वॉज यूजफुल इन कुकिंग फूड कीपिंग द पीपल वॉर्म एंड कीपिंग द वाइल्ड एनिमल्स अवे uses ऑफ़ फायर पूछे हैं तो यूज़ ऑफ़ फायर में आ जाता है कि फायर वॉज यूज़फुल फायर इस्तेमाल की जाती थी खाना बनाने के लिए लोगों को अपने आप को गर्म रखने के लिए और वाइल्ड एनिमल्स को दूर रखने के लिए आंसर नंबर थ्री लॉग्स ऑफ वुड एंड अ लीवर were यूज बाई अर्ली पीपल टू मूव हैवी लोड्स लकड़ी के जो तने थे वो इस्तेमाल किए जाते थे और लीवर इस्तेमाल किया जाता था जो कि हैवी लोड्स को भारी वजन को हरकत करने के लिए इस्तेमाल होता था आंसर नंबर फोर व्हील्स आर यूज इन बाईसाइकिल्स मोटरसाइकिल्स कार्स बसेस ट्रक्स स्टीम रोलर्स टर्बाइंस कार्स एंड एयरक्राफ्ट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स पहिया जो है वो इस्तेमाल किया जाता है बाईसाइकल्स में मोटरसाइकिल्स में कार बसी ये तमाम वहीकल्स है जिसमें जो है व्हील्स का इस्तेमाल किया जाता है आंसर नंबर फाइव द डिफरेंट एजेस वर द स्टोन एज द ब्रोंस एज द कापर एज एंड द आयरन ऐज यहाँ पे डिफरेंट एजेस जो है जो कि हम इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें हमारे पास स्टोन एज ब्रॉन्ज एज कॉपर एज और आयरन ऐज है और क्वेश्चन नंबर सिक्स जो कि हमारे पास था वट डू यू थिंक वॉट द मोस्ट यूज़फुल इन्वेंशन मेड बाय अर्ली ह्यूमन्स एक्सप्लेन योर चॉइस स्टूडेंट्स टू राइट देयर ऑन आंसर्स आप लोग अपनी चॉइस के मुताबिक जो है इसका आंसर देंगे कि आपके मुताबिक अर्ली ह्यूमन्स की सबसे यूज़फुल इन्वेंशन जो है वो कौन सी थी अल्लाह हाफि स्टूडेंट्स